जैसन दोस्तों, क्या कोई पुलिस वाला हमें कुत्ता कह सकता है? या उसकी उतनी बड़ी औकात है वो बोल सकता है कि आप कुत्ते जैसी जिंदगी जीते हो? जिसमें थाना प्रभारी जी मेरे साथ अशब्द बातों का व्यवहार किए और मेरे साथ मार पिटाई किए। पहले तो 5,000 रुपया मेरे से रिश्वत मांगे कंप्लेन लिखने के लिए। जब मैंने अपना आई कार्ड दिखाया तो मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए और बोले कि तुम कुत्ता हो, एक देश के सैनिक। मैं बोला साहब, एक देश के सैनिक के साथ अपमान कर रहे हैं। बोला तुम कुत्ते की जिंदगी जीने वाले, कौन सी तुम तो कुत्ता हो। दोस्तों, बहुत दिमाग में गुस्सा है। कहानी है एक हमारे जवान की। छपरा का रहने वाला वो छुट्टी जाता है। गरीब का बेटा जवान होता है, किसान का बेटा जवान होता है, तभी तो वो देश की रक्षा के लिए जाता है। अमीरों के बच्चे थोड़े सिपाही भर्ती होके जाते हैं। दोस्तों, छुट्टी जाता है, उसके साथ वारदात होती है। वहां के कुछ लोग दबंग हैं, उसके ट्यूबवेल के से सामान या उसके इलेक्ट्रिक वायर है डेली चोरी कर लेते हैं। इस चीज का उसको पता चल जाता है कि फलाना लड़का हमें रात को चोरी करता है। वो ये दरख्वास्त लेके अपने जिला प्रभारी के पास जाता है। जिला प्रभारी उससे बोलते हैं 5,000 रुपए दीजिए। वो अपना आई कार्ड दिखाता है, सर मैं फौजी हूं। बोला फौजी हो तो क्या हुआ, फौजी तो कुत्ते जैसे होते हैं और तेरी कुत्ते जैसी लाइफ है। इतने में जब वो बहस करता है तो उसको मारा पीटा जाता है और उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है। दोस्तों, वही जवान हमारा एसपी साहब से गुहार लगाता है। एसपी साहब उसकी नहीं सुनता है। वो एसपी साहब धमकाता है कि आप फालतू की बातें मत करो, नहीं आपको मैं लॉकअप में डाल दूंगा। ये जवान की दास्तां आप खुद सुन सकते हो, लेकिन उसकी मैं हिम्मत की दाद देता हूं। उसने एसपी के अलावा डीआईजी, डीजीपी, वहां के एमएलए, एमपी सबसे गुहार लगाई है। ये मामला अभी पिछले महीने मई का है, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। क्या हमारा जवान न्याय के लिए इस तरह दर दर भटकेगा? क्यों? कि वो गरीब का बच्चा होता है, वो मजदूर का बच्चा होता है, वो किसान का बच्चा होता है? नहीं, मामला बिहार का है। उम्मीद करता हूं सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी इसको अपने संज्ञान में लें और उसको कोई ना कोई न्याय दिलाए। देखिए इस वीडियो को दोस्तों, अपने कमेंट्स करिए। आपको भी लगेगा कि नहीं, पुलिस वालों की जाति कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है।